नवनिर्मित खाद्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने अन्य सदस्यों के साथ सर्किट हाउस आगरा में मंडल के जिला पूर्ति अधिकारियों और आयुक्त आपूर्ति एवं आरएफसी के साथ बैठक की। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत पात्र कार्ड धारकों को उचित मूल्य पर समुचित राशन मुहैया कराने के आदेश दिए। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज आए। आयोग का मेन मकसद जो है, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना है, उसके तहत सामान्य व्यक्ति को वहनी मूल्य पर जितना वो बियर कर सके खाद्यान्न मिले, और एक बहुत बड़ा इस देश के अंदर यह कार्य है कि भोजन के बिना कोई आदमी, भोजन के अभाव में कोई आदमी न रह सके। उस संबंध में आयोग का गठन हुआ, जैसा मिश्रा जी ने विस्तार से उसमें बताने का काम किया। आयोग के जो प्रमुख कार्य हैं, जो मेन उद्देश्य है इसका और जिसके लिए हम लोग आए हैं, कि इस बात का प्रचार प्रसार हो कि जो आम उपभोक्ता है उसको यदि उचित मूल्य पर राशन नहीं मिलता है, खाद्यान्न नहीं मिलता है, या खाद्यान्न वितरण में कहीं अनियमितता पाई जाती है, तो उसके लिए अवसर है शिकायत करने के। जिला सतर्कता हमारी जो समितियां हैं, ब्लॉक स्तर पे हमारी समितियां हैं, गांव स्तर पे जो कोटे की दुकान है वहां भी हमारी निगरानी समितियां हैं, और उसके बाद राज्य स्तर पर एक आयोग बना हुआ है। तो इस एक्ट की जो मंशा है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो मंशा है कि हर व्यक्ति को राशन मिले, उचित मूल्य पे मिले। नवनिर्मित खाद्य सुरक्षा बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ आगरा आए चेयरमैन नंदकिशोर यादव ने जिला पूर्ति विभाग में व्याप्त अनियमितताओं को पहली मुलाकात में मीडिया कर्मियों के माध्यम से जाना और आश्वासन दिया कि व्याप्त अनियमितताओं को खत्म करने के साथ गरीब पात्र कार्ड धारकों को उनका राशन मुहैया कराया जाएगा। और इतने विकल्प हैं आम उपभोक्ता को कि जब वह शिकायतें करेगा कि फला कोटेदार हमको उचित मूल्य पर राशन नहीं दे रहा है या अनियमितता कर रहा है, तो इतने प्लेटफार्म हैं कोटे माने गांव स्तर से लेके आयोग स्तर तक, निश्चित रूप से उसको इसमें लाभ मिलेगा। और जिस व्यवस्था के लिए यह आयोग बना है, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से आपको सुधार उसमें दिखाई देगा। बैठक में आए मंडल के जिला पूर्ति अधिकारियों के पास समाधान के जवाब नहीं थे, जब मीडिया कर्मियों द्वारा खाद्य सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के समक्ष अनियमितताएं रखी तो अध्यक्ष भी भौचक्के रह गए और वहीं समाधान हेतु सहायता के लिए पत्रकारों से अपील कर गए। 70 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह की रिपोर्ट।